नमस्कार, अमर उजाला डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रचना। हर रोज की तरह हाजिर हैं हम उन तमाम बड़ी खबरों के साथ जिनका है आपसे सरोकार। चलिए एक एक करके उन पर डाल लेते हैं नजर। सबसे पहली खबर आपको दे देते हैं, इंडिया का कोरोना संक्रमित मरीजों का अपडेट। देश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है 4,281 और अब तक 111 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। भारत में लगातार कोरोना का कहर देश में बढ़ता जा रहा है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 704 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक एक दिन का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। साथ ही 28 और लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश में कुल पॉजिटिव मामले 4,000 के ऊपर जा चुके हैं। इनमें से 3,851 सक्रिय हैं, 318 लोग ठीक भी हुए हैं। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जानिए कि ऐसा नहीं है कि कोरोना से सिर्फ मौत हो रही है, लोग ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि अब तक 111 लोगों की जान जा चुकी है। बड़ी खबर, देश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 4,000 से ऊपर जा चुकी है। अब बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया था और एक दवा मांगी थी, उस दवा की सप्लाई मांगी थी जिस पर भारत ने रोक लगा दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत मदद नहीं करता अमेरिका की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की आपूर्ति को लेकर, तो फिर वो हमसे इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद रखे। एक तरीके से धमकी भरी बात, और भारत को इस कदर इस तरह की साफ साफ हम कहें धमकी दी है कि अगर भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की आपूर्ति नहीं होती, अगर ये इस दवा की आपूर्ति की अनुमति भारत नहीं देता, तो फिर सहयोग की, अमेरिका से किसी भी तरह की सहयोग की उम्मीद भी नहीं रखता। और वो हमेशा इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद, इसकी जो कुछ घटाओ उसकी प्रतिक्रिया की उम्मीद भी रखे। हालांकि भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटेन के 55 साल के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आईसीयू में भर्ती कराए गए हैं और जॉनसन के कार्यालय ने एक बयान जारी किया। उसमें कहा कि कोरोना वायरस के लक्षणों के चलते रविवार शाम से प्रधानमंत्री लंदन में सेंट थॉमस अस्पताल में भर्ती हैं, जहां डॉक्टर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं और उनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई और इसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया है। आपको बता दें कि बोरिस जॉनसन पिछले महीने कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया था और रविवार को फिर से उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अब उन्हें आईसीयू में भर्ती करा दिया गया है उनकी बिगड़ती स्थिति को देखते हुए। थोड़ा सियासी बात कर लेते हैं। महंगाई भत्ते पर रार मची हुई है मध्य प्रदेश में। कमलनाथ बेहद खफा हैं। उन्होंने सरकार को पत्र लिखा है और पूछा है सरकार कर्मचारियों से बदला क्यों ले रही है। ये पूरी खबर आपको amarujala.com पर पढ़ने के लिए मिलेगी। ये बेहद ही कहे नाजुक दौर है पूरे देश के लिए, लेकिन राजनीति कहाँ रुकने वाली है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महंगाई भत्ते पर रोक लगाने के फैसले को लेकर शिवराज सिंह चौहान को एक चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि प्रदेश में जारी कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के पहले सरकार के फैसले पर दो दिन पहले रोक लगा दी है और इसी को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में अभिभावकों ने फीस भरने को लेकर चिंता जताई है और जाहिर सी बात है ये दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के अभिभावकों की, पूरे देश के पेरेंट्स की ये एक चिंता होगी। और सरकार से दिल्ली में क्या गुहार लगाई है वो सुनिए। भारत में लॉकडाउन के दौरान कई स्कूलों और अभिभावकों से बच्चों की फीस भरने को कहा गया है
और दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया जिस पर दो अभिभावकों ने प्रश्न उठाए और उन्होंने सरकार से कहा है कि सरकार उन्हें फीस को लेकर कुछ राहत उपलब्ध करा सकती है क्या। इस तरह की बातें सरकार से कही गई हैं। और आपको बता दें, गुड़गांव नोएडा में भी जो पेरेंट्स हैं इस संबंध में उन्हें राहत मिल गई है। नोएडा प्रशासन ने रविवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों का आदेश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान पेरेंट्स पर फीस भरने का दबाव ना बनाएं। हरियाणा सरकार ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया है पिछले सप्ताह लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और इसी को लेकर दिल्ली के पेरेंट्स बहुत चिंतित हैं और उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है। तो ये थी वो तमाम खबरें जिनका सरकार है आपसे, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। तो पल पल की अपडेट amarujala.com पर आपको मिलती रहेगी। घर से बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन के दौरान तमाम अफवाहों से बचिए और तमाम सही और सच्ची खबरों के लिए सिर्फ amarujala.com पर आइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।